हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, बात करेंगे शिबा इनू कॉइन और शिबेरियम से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स की, और उसी के साथ शिबेरियम ब्लॉकचेन को यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं और ये लिस्ट यहाँ पर ग्रो करते हुए नजर आ रही है। शिबेरियम गेट्स नोटेबल बूस्ट इन एडॉप्शन जर्नी, जहाँ पर इसकी जो एडॉप्शन जर्नी है उसमें जो बूस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब एक और प्रोजेक्ट आया हुआ है जिसने यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की है कि वो यहाँ पर शिबेरियम ब्लॉकचेन को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। अकॉर्डिंग टू अ न्यू अनाउंसमेंट ऑन एक्स, शिबेरियम इज नाउ सपोर्टेड बाय मेथ वॉलेट, जहाँ पर अब जो सपोर्ट है वो यहाँ पर मेथ वॉलेट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। मेथ वॉलेट नाउ सपोर्ट शिबेरियम टोकन। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर इस वॉलेट की बात करें, मल्टी चेन वेब 3 क्रिप्टो वॉलेट है जो यहाँ पर ओवर 150 ब्लॉकचेन्स है जिन्हें यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर हम यूज़र बेसिस पर देखें तो एक काफ़ी बड़ा यूज़र बेसिस जो है वो इसने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। लगभग 3.5 मिलियन यूज़र्स है जो यहाँ पर इसके प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। इसने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है शिबेरियम को, जो एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। अगर हम एडॉप्शन की बात करें, लगातार यहाँ पर जो एडॉप्शन है शिबेरियम ब्लॉकचेन का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर अगली अपडेट की, जो शिबा इनू कॉइन की बर्निंग से जुड़ी, और अगर हम बर्निंग की बात करें, वीकली बर्न रेट यहाँ पर राइज होता हुआ नजर आ रहा है। अंडर 1 मिलियन शिबा इनू टोकन है जिसे यहाँ पर इन लास्ट 7 डेज यहाँ पर बर्न किया गया। अगर हम टोटल क्वांटिटी की बात करें कितना अमाउंट यहाँ पर बर्न किया गया है, तो आप देख सकते हैं शिब बर्न जो लगातार यहाँ पर बर्निंग से जुड़ी अपडेट प्रोवाइड करता है, वीकली रेट यहाँ पर लगभग 38% तक ही इंक्रीज हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें वो भी आप देख सकते हैं, बर्न स्टेटस वीकली 782 मिलियन टोकन से जिन्हें यहाँ पर इस वीक में बर्न किया गया। अगर हम यहाँ पर अमाउंट की बात करें, लगभग $5,797 के टोकन से जिन्हें यहाँ पर बर्न किया गया। और इस बर्निंग रेट में आप देख सकते हैं 23rd यहाँ पर एक डेट है जिसमें बड़ा अमाउंट बर्न किया गया था। उसके अलावा यहाँ पर मिलियंस ऑफ टोकन से जिन्हें लगातार बर्न किया जा रहा है, तो कम्युनिटी यहाँ पर कोशिश कर रही है बर्निंग को बढ़ाने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर बर्निंग जो है वो अभी मिलियंस में होते हुए नजर आ रही है। 75 ट्रांजेक्शन के थ्रू यहाँ पर ऑलमोस्ट 782 मिलियन टोकन है जिन्हें यहाँ पर बर्न किया गया है लास्ट 7 डेज में। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर अगली अपडेट की, जो कहीं ना कहीं वेल्स से जुड़ी है, सडनली वेल्स का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ग्रो हुआ है, जिस वजह से ऑलमोस्ट इस वेल ने 4.6 ट्रिलियन शिबा इनू टोकन है जिसे यहाँ पर परचेस किया हुआ है। और अगर हम वैल्यू की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो ऑलमोस्ट यहां पर $33.6 मिलियन के टोकन से जिसे यहां पर इस वेल के द्वारा परचेस किया गया है। बोन की अगर हम बात करें, बोन में भी यहां पर काफी कुछ मूवमेंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर बोन को भी जो वेल वॉलेट्स है उनके द्वारा परचेस किया जा रहा है। बीएनबी वेल मेक्स स्प्लैश ग्रेविंग 259K बोन अगेंस्ट द टाइड, जहां पर आप देख सकते हैं लगभग 259K बोन यहां पर परचेस किए गए इस वेल के द्वारा। बीएनबी वेल ने भी यहां पर इसे परचेस किया हुआ है, और बोन को लेकर यहां पर अपडेट भी आ रही है इनकी टीम के द्वारा कि यहां पर बोन की जो रिनाउंसिंग है वो हो चुकी है। मिंटिंग बोन ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो यहां पर बचा हुआ टोकन से उन्हें यहाँ पर मिंट किया जा रहा है। अगर हम बोन की बात करें, जो सर्कुलेशन सप्लाई है कहीं ना कहीं उसको लेकर यहाँ पर जो अपडेट है वो प्रोवाइड की गई है। बोन की जो मिंटिंग है जो बची हुई थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है, उसको लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी यहाँ पर री अनाउंसिंग हो चुकी है बोन की टीम के द्वारा, मतलब शिबा की टीम के द्वारा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ मूवमेंट जो बोन टोकन है उसमें भी देखने को मिल रही है। साथ ही अगर हम प्राइस बेसिस पर देखें तो प्राइस आप देख सकते हैं 0.0060 के लेवल पर शिबा ट्रेड कर रहा है। ये लेवल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और उम्मीद है कि यहाँ से इसमें ब्रेकआउट देखने को मिले। और फिर से अगर आप देखें लास्ट 7 डेज के, ऑलमोस्ट यहाँ पर ये लोवेस्ट लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इससे पहले भी यहाँ पर गया था। यहाँ से इसके प्राइस में जो बाउंस बैक है वो भी देखने को मिल रहा है। 5.9 और 6.0 का लेवल है, यहाँ तक ये पहुँचता है। ऑलमोस्ट 6.5 का जो लेवल है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिससे ये ब्रेक नहीं कर पा रहा। अगर हम लास्ट 1 मंथ का चार्ट भी देखेंगे, जो प्राइस रेंज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस लेवल से लगाकर लगभग 6.5 का ही लेवल है, जहां से लगाकर ये 6.0 के लेवल के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम अभी भी यहां पर 50% डाउन में चल रहा है। और इसके साथ ही बोन पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, मूवमेंट काफी सारी इनके इकोसिस्टम में हो रही है, लेकिन प्राइस बेसिस पर ज्यादा कुछ इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाए, सारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।